सो अभी हम पहुंच चुके हैं पर्वती के पार्किंग में। आप देख सकते हैं यहाँ से पर्वती वॉकिंग करके स्टेप्स से। सो चलिए हमारे साथ चलते हैं पर्वती। तो 17 किलोमीटर्स का राइड था हमारे घर से, वैसे पर्वती पुणे सिटी में ही है। सो लेट्स गो। सो पर्वती हिल 2100 फीट सी लेवल से ऊपर है। सो चलिए चलते हैं पर्वती हिल पे। यहाँ पे 103 स्टेप्स हैं। सो अभी हम जा रहे हैं पर्वती के टॉप पे। सो मेरे पीछे पर्वती आप देख सकते हैं, ऐसे ही स्टेप्स है। सो चलिए हमारे साथ। इस हिल पर दो मुख्य आकर्षण हैं। सो एक है पेशवाकालीन पर्वती मंदिर और पेशवा संग्रहालय, और यहाँ पे और चार मंदिर भी हैं, कार्तिकेय मंदिर, विष्णु मंदिर, विट्ठल मंदिर और राम मंदिर। और जो सबसे बड़ा मंदिर है वो देव देवेश्वर मंदिर है। और ये जो पर्वती हिल है, ये पानीपत के तीसरे युद्ध के पहले तक ये पेशवाओं के टहलने और आराम करने की जगह हुआ करती थी। सो अभी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय लगता है ऊपर आने को। अभी हम जाएंगे देव देवेश्वर मंदिर में। भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी को समर्पित यह मंदिर एक आकर्षक जगह है। श्रीमंत नाना साहेब ने अपनी माँ काशीबाई की मन्नत पूरी करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। 1749 में श्रीमंत पेशवा नाना साहेब ने यह मंदिर बनाया था। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। ये जो सुरंग आप देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से शनिवारवाड़ा तक वो चली जाती है। सो पर्वती हिल से पूरा पुणे का बहुत ही प्लेजेंट वेदर और व्यू एन्जॉय कर सकते हैं आप। सो ये जो व्यू आप देख सकते हैं वो टेरेस के ऊपर से व्यू है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं पुणे का। अभी हम और टॉप आ चुके हैं टेरेस के ऊपर, और देख सकते हैं क्या सुंदर व्यू है पुणे का। पूरा पुणे सिटी आपको दिख जाएगा, वेरी अमेजिंग। आप देख सकते हैं ट्रैफिक दिख रहा है पुणे का। दोपहर के तकरीबन 3:15 बज चुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे पर्वती पे। ये टेम्पल बहुत ही पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर है पुणे का, और यहाँ से पैनोरामिक व्यू बहुत ही सुंदर आता है पुणे का। और ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वेता टेकड़ी के बाद में। सो बहुत ही अच्छा पीसफुल वेदर भी है। सो अभी हम जाके आए पेशवा म्यूज़ियम। तो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, पर हमने चेक किया, बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है पेशवा का। पूरा डिटेल में हमने देखा, बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। तो आप अगर पर्वती आए तो ज़रूर पेशवा म्यूज़ियम देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पोते शाहू महाराज और श्रीमंत नाना साहेब पेशवा के घनिष्ठ संबंध थे। छत्रपति शाहू महाराज के निधन के उपरांत नाना साहेब को बहुत दुख हुआ था, और उन्होंने शाहू महाराज की खड़ाऊ एवं भगवान शिव की मूर्ति सातारा से यह लाई गई थी। खड़ाऊ नाना साहेब की समाधि स्थल पर रखी गई है, और मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की है। श्रीमंत नाना साहेब पेशवा की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेशवाओं की बहुत ही अच्छी हिस्ट्री आपको मिल जाएंगी, बहुत ही सीखने को मिलेगा। और ये जो पेशवा म्यूज़ियम हम देख के आए वो भी बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे उनके पोशाक थे, कैसे औजार थे,
और कैसे उनका हिस्ट्री और कल्चर था। ये बाजीराव पेशवा जी का स्टैम्प है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। सो अगर आप कभी पुणे आए तो पर्वती ज़रूर देखना चाहिए और यहाँ पे म्यूज़ियम भी देखना चाहिए। और ये मैप देख सकते हैं कैसे मराठा एम्पायर बढ़ गया था पूरा इंडिया में। और अगर आप पुणे सिटी में रहते तो आपको ज़रूर आना चाहिए, थोड़ा वक्त निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको पेशवाओं की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से और मंदिर है। तो ये है कुलस्वामिनी मंदिर। सो कुलस्वामिनी देवी का ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अभी हम देखेंगे विष्णु नारायण मंदिर भी। सो आप देख सकते हैं यह है विष्णु नारायण मंदिर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, और ये वीडियो ज़रूर शेयर। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।